अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलेही व साहबेही व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलेही व साहबेही व सल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों तो मेरे सलामी भैन भरावो और दोस्तों आमिलो, जो आमिल हजरात ने अगे तुम मैं 72,000 दफ़ा भी दस चुका इस संबला पढ़ना है, 90,000 भी दसता है। हूँ तुम जरा 1,25,000 पढ़ना है, 1,25,000 की तुम देखो हूँ तुम वो काम होना है, बस नमाज पढ़नी है तो जिक्र करना है, नमाज पढ़नी है तो जिक्र करना, और दूजा काम ही कोई नहीं करना। तजद पढ़नी उस बार जिक्र करना, तुम फजर नमाज पढ़ के फिर चलते फिर जिक्र करना है, फिर तुम अगर जोह की नमाज पढ़नी फिर उस बाद जिक्र ही करना है, फिर तुम असर नमाज पढ़नी उस बाद भी या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह पढ़ना है, फिर जो तुम मगर की नमाज पढ़नी है उत्थे उस तो बाद भी या अल्लाह का विद पढ़ना। तो मेरे दोस्तों इशा की नमाज पढ़ के भी या अल्लाह पढ़ना है। बस सुल्तान बहू ने कहा इको इसम अल्लाह दा रखी अपना विरद मताला तू। उन्हें कहा जे रब का कुरब हासिल करना चाहना है नमाज पढ़ तो नाल इको इसम अल्लाह दा रखी अपना विरद मताला तू। दोस्तों इको इसम अल्लाह दा रखना है असा ने अपना विरद मताला तो फिर असी कामयाब होना। जे तहज्जुद नमाज पढ़नी है उस बाद भी तुसी या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो, फजर नमाज पढ़ के फिर भी तुसी बैठे रहना उत्थे या अल्लाह हो या अल्लाह, बैठो खलोवो टुरदे फिरदे हाँ, उस बाद तुसी कोई साह खाली नहीं जान देना दोस्तों, फिर सारी जिंदगी समझो तुसी बुक हो गए जो हुण तुसी उस बाद कोई साह खाली नहीं जान देना। तो ऐसे बारे ही सरकार बुले शाह ने कहा एक पल भी कज़ा नहीं होने देनी भावें काफर बनना पै जाए, वो फिर एक पल भी कज़ा नहीं होने देंगे दोस्तों जोड़े बंदे इस लाइन च आ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों तुम ये ना तो 1,25,000 तो भी ताकि तादाद टप जानी करनी, 1,25,000 तो भी तुम इंशाल्लाह जाओगे टुरद फिरद या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो। यह बजुर्गों की नमाज है, उन्हें कहा ताड़ी पांच वेले साड़ी हर वेले, वो कहें पांच वक्त तुम पांच वेले पढ़ के थक जाते जी, तो वह इस तो बाद भी नाल कर दो पांच वेले पढ़ते नाल या अल्लाह हो या अल्लाह हो अल्लाह का इसम छड़ते ही नहीं है। इसलिए बजुर्ग बीरबुल शाह ने कहा ताड़ी पांच वेले साड़ी हर वेले। दोस्तों यदा मतलब यह है भी तुम पांच वक्त की नमाज पढ़नी उस तो बाद फारग नहीं होना, है नहीं बस उस बाद सुस्ती कर जानी ना, उस तो बाद या अल्लाह हो या अल्लाह हो जिहड़ा भी तुहाडा दिल कर जिसम दा, लेकिन मैं तुहानूं इह कहांगा या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह पढ़ो तो इंशाल्लाह फिर तुसीं 1,25,000 तो ताड़ी तादाद अगे चली जाती। फिर हर रोज़ तुसीं इन्ना अंदाज करो हर रोज़ 1,25,000 तुसीं पढ़ो तो साल तुहाडे किन्ने कित्थे जाके तुहाडी गल मुकदी, किन्ने वजीफे हो जाएंगे तुहाडे नाल, तुसीं इहनूं छड्डना नहीं हो। इसलिए बोले शाह ने एक अलफ पढ़िया छुटकारा है, एक अलफ फड़िया छुटकारा, एक दो तीन तो चार होए फिर लख करोड़ हज़ार होए फिर उत्थों बेशुमार होए, जो तो बेशुमार गिनती हो जाती ना उदो फिर अल्लाह ताला अगे ताडे कोल फिर तुहानूं अल्लाह दा कुरब ही कुरब हासिल जिहदा मैं दसदा। फिर तुसीं जो दिल सोचना करना ताडी गल पूरी होनी करनी है इंशाल्लाह ताला, तुसीं आ मेरी गल ते अमल करो, मैं अपने बजुर्गों के कहने कर रहा, तुसीं मेरे कहने कर लो अपने भरा के कहने करो, इंशाल्लाह तुसीं कामयाब ही कामयाब जे। तुसीं मेरे बाबा ना समझो करो, मैं इन्ना पढ़ गया बड़ा वड्डा बाबा कोई नहीं हैगा जी, मैं ताडा भरा वां, जो कोई भैन मेरी उन्होंने भरा वागा तो मेरे तो बड़े बजुर्ग ने, उन्होंने बच्चा वा ये भी मेरे तो वे वे बजुर्ग ने, ठीक है। तो इंशाल्लाह तुम इन पढ़ो तो फिर बाबे अबद अली बाबे अबद अली नक्शबंदी दुआ दोगे इंशाल्लाह ताला चाहे तो। यह ही बजुर्गों की नमाज है, यही आशकों की नमाज है, बस चलते फिरते या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो, मुँह बंद करे करो जो तुम इन्नी पढ़ाई करो फिर तुम ना भी पढ़ोगे फिर ही पढ़िया जाएगा, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने पढ़ेगा या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो। बस दोस्तों।